उत्पन्ना एकादशी के दिन जो साधक श्री हरि विष्णु के लिए उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में लाभ होगी और इसके साथ ही सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा जो कि उत्पन्ना एकादशी के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। दान और पुण्य करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस दिन दान पुण्य करते हैं उन्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर अनाज का दान अवश्य ही करना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनकी किसी भी प्रकार की मदद करने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती है, इसलिए इस दिन गरीब व असहाय लोगों को भोजन अवश्य ही करवाएं। गुंजा फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगर आपका कारोबार किसी भी वजह से चल नहीं पा रहा है तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन 7 गुंजा फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें। इस उपाय को करने से धन की मुश्किलें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। दक्षिणावर्ती संघ से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। जो साधक उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती संघ से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं उनके परिवार में हमेशा सौहार्द बना रहता है, साथ ही गृह कलेश की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि इन उपायों को करते समय काले वस्त्र भूलकर भी धारण ना करें। अब सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके ये सब विधि विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत संखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता,
भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने वाणों से बींद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण वाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, परंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एकादशी माता भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।